एयर पॉल्यूशन के कारण बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। एयर पॉल्यूशन के कारण मरने वाले लोगों का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हम विस्तार से आपको बताएंगे कि बुजुर्गों की सेहत पर इसका क्या असर होता है। भारत सहित पूरी दुनिया में तेजी से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। खाना, पानी और ताज़ी हवा इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। साफ हवा में सांस लेने के कारण कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कारखाने, बिजली, जलते कोयले, लकड़ी और गाड़ी से निकलने वाली प्रदूषण सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल इंडोर हो या आउटडोर हो, प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एयर पॉल्यूशन के कारण बुजुर्गों को कई सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बता दें कि प्रदूषित हवा में मौजूद PM2.5 के छोटे कण सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। अच्छी क्वालिटी का N95 या N99 मास्क लगाकर रखने से ये कण फिल्टर हो जाते हैं और सांस के माध्यम से शरीर में नहीं जा पाते हैं, जिससे कोई तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज से बच सकते हैं। हालांकि कोई भी मास्क 100% कारगर नहीं है, लेकिन ये खतरनाक प्रदूषण से बचाव कर सकता है। इसके लिए अच्छा मास्क लगाएं, हमेशा NIOSH से सर्टिफाइड मास्क लगाएं। इसके अलावा जब प्रदूषण ज्यादा होता है तो घर के अंदर भी इसका असर देखने को मिलता है। घर में लगे पर्दे, सोफे के कवर में गंदगी जम जाती है और धूल बनकर बाहर आती है। इस वजह से खिड़की और दरवाजे बंद करने की सलाह दी जाती है। हालांकि 24 घंटे खिड़की या दरवाजों को बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि खिड़की या दरवाजे लगातार बंद रहने से घर में पार्टिकुलेट मैटर बनने रहते हैं, जो सांस की कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए दोपहर के समय कुछ वक्त के लिए खिड़की दरवाजे खोल कर रखने चाहिए। और आखिर में एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हैवी ट्रैफिक में घर से बाहर निकलने से बचें, और जरूरी नहीं तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें। आपकी इस पे जो भी राय है, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए।